इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु उत्तरे रामदेव भगवान ने दंडवत किया, स अष्ट अंग दंडवत, सिर हाथ कोहनी हृदय नेत्र मन घुटने अष्ट अंग, इसको साष्टांग दंडवत कहते हैं। गंगा मैया सारे आनंद और कल्याण की जड़ है, मुद मंगल मूला सब सुख को करने वाली है, सारे दुख को शूलों को हरने वाली है। कौन? गंगा मैया। धार थोड़ी खुल जाए ना, अरे गंगा सागर तक आनंद ही आनंद है। गंगा मैया खुदे साफ कर देंगी यहां से गंगा सागर तक, सब खर्चे रुक जाएगा। ठीक है, तो भगवान अनेक गंगा जी के कल्याण मंगल लोक मंगल में जो भाव उतरा वो सब कथाएं जो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने सुनाया था भगवान सुना रहे हैं। कहीं कहीं कौटिक कथा प्रसंग राम बिलो कहीं गंग तरंग। अब तो वर्षा ऋतु में कहीं कहीं दिखता है ना, तो गंगा मैया में तरंगे कहां दिखते हैं? तो पता करना पड़ता है कि यहीं आचमन करना है कि आगे करना है। बड़े भगवान कृपा कर जहां तहां बन गई मैं। बहुत बंधन भी अच्छा नहीं, बंधन बहुत अच्छा नहीं, मर्यादा का बंधन ठीक है, बिना मतलब का बंधन ठीक नहीं। सबको अपने में स्वतंत्र रखिए, लेकिन अनुशासन मन में होना। भगवान शृंगवेल पर पधारे, निषाद जी ने भगवान का स्वागत किया, परमात्मा ने विशेष उदासीन व्रत लिया हूं ऐसा जब उनको सुनाया तो उन्होंने शीशम वृक्ष के नीचे कुशाग्री साथरी बनाकर सरकार का विश्राम स्थल निश्चित। सेवक लोग कंद मूल फल लाए, माँ प्रभु भैया सचिव जी पाए, रात्रि विश्राम प्रभात बेला हुई। रात्रि में लक्ष्मण जी ने निषाद जी को गो गीता सुनाई, पढ़िएगा बड़ा पावन प्रसंग है, अद्भुत है। वहां तो ये बात है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा सखा परम परमार्थ एहू, क्या मन क्रम वचन राम पर। दो बात है, राम पद में प्रेम, प्रेम हो तो राम जी में प्रेम होना चाहिए, जो बने विषयों के आसक्त उन पे होना। एक कथा कहां ले जाती है? राम जी में ले जाती है, कन्हैया में ले जाती है, शिव शक्ति में ले जाती है, नारायण में ले जाती है। कथा वही जो हमको भगवान की ओर ले जाए, मनमुखी बात नहीं, शास्त्र समन्वित बात की कथा है। लक्ष्मण जी ने कहा भूलिएगा ये नहीं, भगवान ने अवतार निज इच्छा निर्मित तनु लिया है, किसी के कहने से नहीं लिया है। और जब हम कोई निर्णय स्वतः स्फूर्त लेते हैं तो हमको उसका तनाव नहीं होता। इसे आप में जितने लोग यहां कथा में आए हैं
आए हैं कि लाए गए हैं, जोर से बोलिएगा, आए हैं ना, तो आपको आनंद आ रहा होगा। इसमें जो पकड़ के लाया गया होगा अब तक कई बार मार चुका होगा, चलो यार कितनी देर बैठोगे, उसके लिए तनाव है, क्यों? दूसरा भी पकड़ के नहीं बैठा है, गाड़ी की चाबी अपने पकड़ में रखे जाओगे कैसे? अब तब तक बैठना होगा जब तक ये सुनने वाला न चल पड़े, उसके लिए 3 घंटा बोझ है, समझिए 30 के बराबर है। लेकिन जो आया है, अरे महाराज आज बहुत जल्दी पूरा कर दी, तो स्वतः स्वीकार करना ये आनंद वर्धक है, और किसी के दबाव से स्वीकार करना कष्टदायक है, बड़ा मुश्किल। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, ना करो, इसी बीच में एकादशी भी है, कब है? 16 को एकादशी है, व्रत रहना चाहिए, इतना हमको कहना चाहिए, रहना न रहना आपकी इच्छा, बस क्यों रहना चाहिए? कम से कम 11 एकादशी जो रह लेगा उसको जमरात के दूत स्पर्श नहीं करेंगे, और 108 जब पूरा हो गया तो वैकुंठ नाथ के पार्षद आकर ले जाते हैं। मैं रहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो लिखा पड़ी है वो आपको सुना दे रहा हूं, आगे आपकी मर्जी है, यंत्रवत हो जाओ, कौन करेगा, सब यही करते, अपने हाथ में कछु है ये नहीं, चाहेंगे तब भी वैसा नहीं होना जैसा हम चाहते हैं। बार बार इसको सुनाता हूँ, नर सोची नहीं होत है, प्रभु सोची तत्काल, बलि चाहत वैकुंठ को प्रभु पठये पार, बलि क्या चाहते थे, ऊपर जाना है, भगवान ने नीचे भेज दिया, जाओ बस, तेरे बर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे 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 प्रभु, कितना विचित्र है प्रसंग, दर्शन करिए, महाराज निषाद खड़े हैं जो सरकार के सखा हैं, प्रभु राम जी ही हैं, लक्ष्मण जी भी खड़े हैं, परंतु भगवान के नाम मांगने पर भी केवट जी ने स्पष्ट मना कर दिया, न आना, पंक्ति दर्शन करिए, मांगी ना केवट आना, कहई तुमार नगम में जाना, केवट कहई तुम्हार,
पाऊंगा नहीं, कारण चरण में कुछ जड़ी है, उस जड़ी के स्पर्श से पत्थर स्त्री बन गए, मेरे बिना बन गए तब क्या होगा। सुवत शिला भई नाव सुंदर नारी हो जाएगी, क्यों? पत्थर कितना कठोर, नाव तो मेरी जल में कोमल हो गई है, क्या कहते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।